आज हम मावा यानी कि खोआ से गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी रेसिपी है। और आज हम जिस तरह से गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने का तरीका बताऊंगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और रेसिपी को फॉलो करते हैं, तो आप भी बहुत बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं खोए के गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 250 ग्राम खोआ लिया है। इसमें हम ऐसे भर भर के 3 चम्मच मैदा डालेंगे। ये मैंने छोटी चम्मच का इस्तेमाल किया है। और अगर आप कटोरी से डालना चाहते हैं तो 1/4 कटोरी आप इसमें मैदा डाल दें। लगभग 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे सोडा बाइकार्ब। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा छोटा चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुलाब जामुन का जो हम मटेरियल तैयार करते हैं उसे बहुत ही सॉफ्ट बनाना होता है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगेगा कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है, इसमें हम थोड़ा सा पानी या दूध भी ऐड करेंगे। जैसे कि मुझे लग रहा है कि अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है, तो मैं इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच के करीब पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, एकदम गीला भी नहीं करना है हमें। बस आटे जैसे ही गूंदना है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे इसी तरह से गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं हथेलियों के साथ, थोड़ा मुट्ठी बांध के। जैसे भी आटा गूंदा जाता है उसी तरह से इसे गूंदते जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसे काफ़ी देर तक हमें मलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल यानी कि फैट है वो रिलीज़ हो जाना चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। देखिए, जब ये तैयार हो जाता है तो इस तरह से थाली पे नहीं लगना चाहिए। अभी तो थाली पे भी चिपक रहा है और हाथ पे भी। तो इसे अभी हम और मलेंगे, बिल्कुल चिकना करेंगे। लगभग 5-6 मिनट तक इसे हमने मल लिया है और अभी थाली पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे हाथों पर भी नहीं चिपक रहा है, देखिए हाथ साफ़ है। तो इसे इतना तो हमें मलना ही होता है, तभी हमारे गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और इसका एक टेस्ट ये भी है कि गुलाब जामुन का जब मटेरियल तैयार हो जाता है तो सरफेस पे शाइन यानी कि ऑयल आ जाता है, जो फैट अंदर होता है वो इस पर आ जाता है। हाथ भी आप मेरे देख सकते हैं, इस पर भी आपको घी नज़र आएगा, चिकने हो गए हाथ। तो हमारा मटेरियल तो फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। 7 से 8 इलायची हमें चाहिए। अब हम चाशनी तैयार करेंगे, उसके लिए 2.5 कप चीनी मैं डालूंगी एक कढ़ाई में। इस पे हम 1.5 कप पानी डालेंगे। जिस कप से मैंने चीनी मेज़र की है उसी से मैं पानी डाल रही हूँ मेज़र करके, जिससे कि हमारे परफेक्ट चाशनी तैयार हो जाए। चाशनी को हम उबलने देंगे। इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को हमें पानी में घुलने देना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकाना है, लगभग 3-4 मिनट, जिससे कि चाशनी हल्की चिपचिपी सी हो जाए। तो चीनी तो आप देख रहे हैं तेज़ी से घुल रही है, इसमें उबाल आ रहा है। इसी वक्त हम इसमें इलायची भी डाल देते हैं। इलायची को आप पीस के डाल सकते हैं, मैंने दरदरा कूट के डाला है जिससे कि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए। और मैंने छिलके ऐसे डाल दिए हैं जिससे कि जब हमारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे तो छिलके हम अलग भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो रेडीमेड इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। इसे हम पकने देंगे। ये ऑलमोस्ट हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, चीनी भी घुल चुकी है। तो इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पोर्शन अपनी उंगली पे लगाएंगे, और ऐसे उंगली पे अगर हम इसे स्प्रेड करेंगे तो उंगली पे एक कोटिंग सी आ जानी चाहिए, थोड़ी सी थिन कोटिंग आ जाए, बिल्कुल पानी की तरह बहे ना। बस हमारी चाशनी तो तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अब हम गुलाब जामुन के लिए बॉल्स तैयार करेंगे। तो जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा पोर्शन लें, और इस बात का ध्यान रखें कि जितनी बड़ी हम गोली बनाएंगे उससे डबल साइज़ के हमारे तैयार गुलाब जामुन होंगे। तो मैं इस तरह से एक एवरेज साइज़ के गुलाब जामुन बना रही हूँ। गुलाब जामुन बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे और थोड़ा सा हथेलियों के बीच में से टाइटली हम इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रेशर रिलीज़ करते हुए इसे गोलाकार देंगे। इस तरह से देखिए ये बॉल बन जाएगी। बॉल्स में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद हाथों में ऐसे हल्का सा उछालेंगे,
इससे क्या होगा कि बिल्कुल राउंड शेप आएगा इसका। ये देखिए, एक बॉल हमारी तैयार हो चुकी है। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा पोर्शन मैंने लिया और थोड़ा सा इसे टाइटली प्रेस करेंगे जिससे कि सारे क्रैक्स इसके ख़त्म हो जाए और इसके अंदर का जो फैट है वो थोड़ा सा सरफेस पे आ जाए, थोड़ी सी शाइन आ जाए। फिर हल्के हल्के हाथों से इसे गोल गोल घुमाते घुमाते गोल आकार देंगे और फिर ऐसे हाथों में ऐसे हल्का सा उछालेंगे जिससे कि बिल्कुल राउंड शेप आ जाए। इसी तरह हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमने घी कढ़ाई में डाल के उसे गैस पर चढ़ा दिया है। आँच को हम बिल्कुल धीमी रखेंगे। गुलाब जामुन बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर ही तले जाते हैं जिससे कि वो अच्छे से अंदर तक सिक जाए। तो एक बॉल में डाल के चेक कर रही हूँ, बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा घी। इसी तरह से मैं बाकी की बॉल्स भी डालूँगी और एक साथ सारी बॉल्स तलने की कोशिश ना करें। जितने एक बार कंफर्टेबली आ जाएं बस उतने ही डालें, 7-8 बस। जितना आपने घी लिया है ये उसी पर डिपेंड करता है। और उसे एक बार इस तरह से हम हिला देंगे जिससे कि चारों तरफ से इवनली ये सिकते रहें। बस धीमी धीमी आंच पर ही हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। अभी मैं कुछ और भी डाल देती हूँ। 7-8 गुलाब जामुन मैं एक बार में फ्राई करूँगी। डालने के बाद फिर से इसे हिला देंगे। अभी आपको लग रहा है कि ये तेज़ी से सिक रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाब जामुन को फ्राई करने में एक लॉट कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर ही इसे फ्राई करना होता है, अंदर तक ये बिल्कुल बढ़िया सिक जाने चाहिए। इस तरह से उलटते पुलटते हुए इसको हम सेकते रहेंगे। ये लॉट बिल्कुल सिक के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है और कितनी बढ़िया इसकी रंगत आई है। बगल की कढ़ाई में जो चाशनी है उसे मैंने एक बार फिर से ऑन कर दिया गैस को जिससे वो हल्की गुनगुनी हो जाए। तो अब हम इन्हें निकालते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। चाशनी वाली कढ़ाई में जो सिकते जा रहे हैं बिल्कुल तैयार हो गए, उन्हें मैं पहले डाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा सा झारा ऐसे रखेंगे और इसे हम चाशनी में डालते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि तलने के बाद भी इसका साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है और जब ये पूरी तरह से चाशनी को पी लेंगे तब इसका साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। सभी इसमें डाल रही हूँ और अभी चाशनी में आप देख रहे हैं कि ये फ्लोट कर रहे हैं ऊपर। देखिए हल्के हल्के ऊपर से आपको तैरते नज़र आ रहे हैं। जब ये अच्छे से चाशनी को पी लेंगे तो ये नीचे बैठने लगेंगे। अभी ये हल्के हैं और फिर ये भारी हो जाएंगे, इसके अंदर चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। गैस की फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ। चाशनी वाली हमें खौलानी नहीं है, बस हल्की गर्म ही रखनी है। इन्हें चाशनी में रहने देते हैं। आप देख सकते हैं वैसे 5 मिनट में ही ये सरफेस में बैठने लगे हैं, इसका मतलब चाशनी बहुत तेज़ी से ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब हम दूसरा लॉट भी तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन को फ्राई करके। सभी गुलाब जामुन मैंने फ्राई करके चाशनी में डाल दिए हैं और जो मैंने पहले डाले थे, देखिए 10 मिनट हो गया इन्हें डाले हुए। इसका साइज़ आप देखिए कितने बड़े बड़े होने लगे हैं। ये काफ़ी तैयार हो चुके हैं, अभी और भी बड़े होंगे। गुलाब जामुन को चाशनी में डालने के बाद लगभग 35-40 मिनट तक इसे छोड़ देना चाहिए, तब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और चाशनी को अपने अंदर भर लेते हैं, एग्जैक्ट साइज़ में आ जाते हैं। तो ये तो मैंने छोटे छोटे अभी डाले हैं और बड़े बड़े भी आप देख सकते हैं, दोनों ही तरह के बिल्कुल तैयार होने लगे हैं। अब 35-40 मिनट इंतज़ार करते हैं जिससे कि हमारे गुलाब जामुन बढ़िया तैयार हो जाए। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं और आप देखिए कितने बड़े बड़े गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हुए हैं। मैंने सिर्फ 250 ग्राम खोआ लिया था और इससे हमारे 16 गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। ये मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, अगर आप थोड़े छोटे बनाएं तो 20 से 22 पीस भी तैयार कर सकते हैं। एक गुलाब जामुन मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट है और ये बहुत ही जूसी है। इसके अंदर के ग्रैनुल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, छेद जो इसमें बने हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हुए हैं। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो एक सर्विंग बाउल में मैंने कुछ गुलाब जामुन निकाल लिए हैं। गुलाब जामुन को वैसे किसी भी तरह से डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम ऊपर से थोड़े से पिस्ते से इसे गार्निश कर सकते हैं। और आप देखिए ये लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट वाले गुलाब जामुन। तो दोस्तों आप भी अपने घर में ऐसे ही सॉफ्ट रसीले और बहुत 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 ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन ज़रूर बनाइए। दोस्तों आपने हमारा आज का वीडियो देखा होगा और मुझे विश्वास है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है
तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब का बटन हिट करते वक्त बगल में जो बेल आइकन यानी कि घंटी है उसे भी जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।